तो अभी हम लोगों का पर्पस इस वीडियो में दो लाइंस कोप्लेनर हैं या नहीं ये चेक करना होगा। ठीक, जैसा कि तुम जानते हो, दो लाइंस की कोप्लेनरिटी दो वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी से अलग है। ठीक, मैथ्स में हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर हो जाएंगे। तुम ट्रांसलेट कर सकते हो उन वेक्टर्स को, तो दो वेक्टर्स हमेशा ही एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक, एनीवेज अभी जैसे दो लाइन सेगमेंट्स है ना हमें चेक करने हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है उसकी मदद से तुम बड़ी आसानी से ये कोप्लेनरिटी चेक कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो आ जाती है कोप्लेनर है पहले, बट हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर नॉन ज़ीरो आ गई तो फिर क्या होगा। नॉन ज़ीरो आ गई इसका मतलब कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है इसका मतलब जाहिर सी बात है नॉन कोप्लेनर रहेगी। हाँ, बट पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में भी वो डिस्टेंस नॉन ज़ीरो आएगी, बट पैरेलल लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो वो जैसा कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, पहली लाइन का जो डायरेक्शन है वो देखो कुछ ऐसा है, 3, -1, 0। ठीक है, एंड जो दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन है 2, 3, 0, ऐसा कुछ। ठीक, तो ऑब्वियसली सिंस दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ लाइन्स आर नॉन पैरेलल, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद कोप्लेनरिटी कैसे चेक करोगे। मेरे पास A1 A2 तो है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहती है। A1 A2 से जो तुम वेक्टर बनाते हो, लेट से A2 - A1 अगर हम लोगों ने बनाया, तो उसका जो कंपोनेंट आता है अलॉन्ग दी कॉमन नॉर्मल वो मुझे दरअसल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। ठीक, तो सबसे पहले तो उसमें गिवन डेटा लिख लेना, लेट द गिवन लाइन्स बी। कैसे लिखोगे गिवन डेटा, ऐसे लिख लेना, लेट द गिवन लाइन्स बी L1, L1 क्या लिख लोगे, R इक्वल्स टू a+λb1, और L2 क्या लिख लोगे, L2 क्या लिख लोगे, R इक्वल्स टू a+λb। ठीक, ये हो गई दोनों लाइंस। अच्छा, उसमें नीचे लिख लेना वेयर A1 A2 जो जो हैं तुम्हारे पास, A1 A2 है ना, जो भी रहेगा B1 B2। ठीक, ये सब तो जानते हैं। ठीक है, किस तरह से लिखना है, क्या करना है ना। अच्छा, इसके इसके लिख लेने के बाद तुम्हें ये चीज़ इवेलुएट करनी है। नाउ उसमें सबसे पहले तो ये देख लो, a2 - a1 b1 b2। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो डिटरमिनेंट से तुम बड़ी आसानी से निकाल लेते हो। ये जो बॉक्स है ये दरअसल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब अपन निकालते हैं ना, तब तुम्हें याद होगा प्रायर वीडियोस में ये बॉक्स आ चुका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है उसमें है ना, रिकॉल करवा देता हूँ मैं तुम्हें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहती है, ये बॉक्स रहता है a2 - a1, ऐसा रहता ना, b1 b2 अपॉन, बेसिकली b1 x b2 है ना का मॉड। ठीक है, और क्या रहेगा, कॉमन नॉर्मल n n। ठीक है, क्या यही रहेगा। ठीक है, तो ये रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसमें जो ये बॉक्स प्रोडक्ट है ऊपर का, वो हमें इवेलुएट करना है पहले। ठीक है बात। तो बॉक्स प्रोडक्ट अगर मेरे पास नीचे वाली जो चीज़ है वो तो नॉन ज़ीरो रहेगी, ये तो पक्की बात है। ठीक है ना, क्योंकि B1 और B2 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा ही ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक, सिंस B1 इज़ नॉट इक्वल टू k×B2, देयरफॉर B1 x B2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है तो वो तो मेरा नॉन ज़ीरो है, ये पक्की बात है। तो न्यूमरेटर में चेक कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है। तो a2 - a1 जब अपन करेंगे कितना आवेगा, चेक कर लो फट से, a1 और a2 कितना कितना है भाई। यार ये तो लिख ही लेता इससे अच्छा तो यार,
A1 A2 है 1 1 माइनस 1, A2 है अपने पास 4 माइनस 1 शून्य, B1 है अपने पास 3 माइनस 1 0, और B2 है अपने पास 2 0 3। ठीक, नंबर्स उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते रॉबी, नंबर्स उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते जितना ज़्यादा कंसेप्ट मायने रखता है। ठीक है क्या? तो बस कंसेप्ट इज दिस कि दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं तो नॉन कोप्लेनर रहेंगी। ठीक है, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जाहिर सी बात है कोप्लेनर है। ठीक है बात। अच्छा, अगेन मैं फिर से बता दूं, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आ गई जीरो है, ठीक है क्या, तब तो फिर वो कोप्लेनर हो गई, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो आ गई तो फिर तो वो कोप्लेनर हो गई। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं आ रही है और पैरेलल भी नहीं है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब फिर क्या है, वो स्क्यू लाइंस है, वो नॉन कोप्लेनर लाइंस है। ठीक है बात, ये इसका कंसेप्ट है बेसिकली। तो नंबर्स के साथ बेसिकली वही कंसेप्ट को लेकर बताया जा रहा है, बहुत ही रेगुलर सा सवाल है इसमें। लेकिन इस सवाल में हमें ये भी पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो जैसे कि तुम जानते हो, वो थ्योरी वाले वीडियो में, कंसेप्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने वो दोनों लाइंस को कंटेन करते हुए प्लेन की इक्वेशन लिखना भी सीखा था, जो कि अगेन एक बहुत बहुत ही मामूली काम है। ठीक है, खैर, तो अभी जैसे ही हम लोग ये बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, A2 - A1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 में से 2 ना, -2। ठीक है, 0 - -1 1। ठीक, अरे A2 - A1 ये ऐसा रहेगा, मैं B1 - A1 कर बैठा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1। ठीक है, B1 और B2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 0 2 0 3, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने पर आ रहा है, इसको मैं रो नंबर 3 से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर क्या आता है। तो 2 पहले, तो उसके बाद अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 0 + 1, ऐसा 0 लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, 3 के साथ कितना आ रहा है, 0 - -2, तो ये हो जाएगा 2। ये चीज़ आ रही है मेरे पास 2 + 6 8, एक बार चेक कर लें दो, -3 + 6, अरे अरे अरे, 2 के साथ जब ओपन किया तो आएगा 1, फिर जब 3 के साथ ओपन करोगे तो आएगा -3 + 6। ठीक है, -3 + 6 हो जाएगा 3, तो 9 2 11 होगा, ठीक, विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो अगर ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब कि भाई लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक बात, तो क्योंकि द गिवन लाइन्स आर, सिंस द गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, तुम क्या बोल सकते हो, दे आर स्क्यू या फिर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ये बात है, क्लियर है सब चीज़ें, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट काफ़ी काम आता है, बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसी तरह से तुमसे दूसरे सवाल किए जा सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान रखना, प्लेन्स में ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है तुम्हारे पास, दैट इज़ x - 2/1, क्लियर दिख नहीं रहा है ना, y - 4/4, ये लाइन लिखी हुई है। ठीक, और सेकंड वाली लाइन तो क्लियर दिख रही है ऑलमोस्ट, ये लाइन तो ऑलमोस्ट क्लियर है। बोला जा रहा है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं, आप बताइए। ठीक, तो कोप्लेनर अगर होगी तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले गिवन लाइंस, लेट द गिवन लाइंस
या फिर उसको ऐसा लिख लो, गिवन L1 कैसा दिया है तुम्हारे पास, और L2 दिया है वहीं अपने पास ऐसा कुछ, x+1/3, y+3/5। ठीक, ये दोनों लाइंस अपने पास दी हुई है, गिवन है। तो देयरफोर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट a1 बराबर 2, 4, 6, वो आई कैप जे कैप वाली फॉर्मेट में लिखना, b1 बराबर 1, 4, 7, a2 हो जाएगा -1, -3, -5, आई कैप जे कैप वाली फॉर्मेट में लिखना, b2 हो जाएगा 3, 5, 7, आई कैप जे कैप वाली फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट। ठीक, अच्छा, नाउ बॉक्स ऑफ a2 - a1 b1 b2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो भाई a2 - a1 आ जाएगा तुम्हारे पास -3, -7, -11, और b1 b2 आ जाएगा 1, 4, 7, 3, 5, 7। इवेलुएट कर लो फटाफट, कितना आ रहा है इवेलुएट करने पर, -3 पहली रो से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, -3 तो 28 में से 35 गया, -7 +7 अंदर बचेगा तुम्हारे, 7 में से 21 गया, -14 है ना, -11, 5 में से 12 गया, -7। ठीक, कितना आ रहा है देखो, ये 21 - 98 + 77, तो ये चीज़ हो जाती है 98 - 98 विच इज़ 0 ओनली। ठीक, तो उसके नीचे तुम लिखोगे सिंस लिखोगे the shortest distance between the lines is 0, therefore the lines are intersecting, hence दे आर कोप्लेनर। ठीक, अच्छा, तो कोप्लेनरिटी तो अपनी साबित हो जाती है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन्स। तो अब इसमें मेरे पास दो वैक्टर्स तो हैं ही, ठीक है, तुम्हारे पास a1 है, a2 है, दो पॉइंट्स तो हैं ही, और साथ ही साथ b1 b2 भी है, तो b1 × b2 से मैं नॉर्मल बना लूँगा और एक पॉइंट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें ऐसा लिख लेते हैं, लेट n बराबर b1 × b2, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स कैन बी गिवन एज r - a1 · n बराबर 0। तो इसको तुम बॉक्स की तरह भी इवैल्यूएट कर सकते हो, r - a, ठीक है, क्या लिखा है, डॉट b1 × b2, यही तो है। इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, इक्वेशन क्या बनी, r - a1 b1 b2, ये चीज़ आ रही है 0 के बराबर। ठीक, तो r - a1 अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो, इसका मतलब ये हो गया, r1 कहाँ से आ गया, है ना, r हम लोग ले लेते हैं x, y, z, xik + yjk + zk, तो r - a1 कितना हो जाएगा, r - a1 हो जाएगा, a1 क्या है, 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6, और b1 और b2 कितना है, 1, 4, 7, 3, 5, 7,
ये हो जाता है। इवेलुएट कर लो फट से, कितना हो गया 28 में से गया 35, तो माइनस 7 माइनस वाई माइनस 4, ठीक है। अंदर क्या बचा 7 में से, एक मिनट, अंदर हो जा 7 में 21 माइनस 14 प्लस जेड माइनस 6, तो ये चीज़ आएगी अंदर 5 में से 12 गया माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाती है। तो 7 तो तुम हटा सकते हो, पहली बात 7 हटा लो यहाँ से, तो ये चीज़ कितनी आ रही है 2 माइनस एक्स है ना, माइनस 2 और माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस 2, 2 वाई माइनस 8 प्लस 6 माइनस जेड, ठीक है, बराबर 0, इतना आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड, ठीक, इक्वल्स टू ये हो जाएगा, या फिर सब कुछ उधर ही ले जाओ ना, माइनस 6 प्लस 6 तो पूरा ही हट जा रहा है यार, 8 ये माइनस 8, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड, ठीक। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्लेन कंटेनिंग द टू कोप्लेनर लाइंस, ठीक है, बात ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, डू नॉट इवेल्युएट दीज टू थिंग्स सेपरेटली, ठीक है, डू नॉट इवेल्युएट सेपरेटली, ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन टिप, ठीक, ध्यान रखोगे उसमें यूज दिस डिटरमिनेंट मेथड, है ना। अच्छा, कई की बार ऐसा हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति डिटरमिनेंट्स की अलजेब्रा में अगर अच्छा है, उसकी कुछ स्किल्स है, तो वो डिटरमिनेंट को दरअसल मतलब सिंपल रो कॉलम ऑपरेशन से उसमें दो जीरोस क्रिएट करके किसी रो या कॉलम में बड़ी आसानी से इवेलुएट कर सकता है। आगे एक इस तरह का इलस्ट्रेशन लिया हुआ है वैसे, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। जैसे अगर ऐसा हो गया कि डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने में दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर एकदम सेम आ गई, तो उसमें तुम डिटरमिनेंट को ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे जब ऐसा सवाल आएगा। या फिर बाकी अगर जैसे अगर तुम्हारे पास ज़ीरो बनाने वाली स्किल अगर नहीं है, तुम उसमें टाइम अगर नहीं लगाना चाह रहे, तो सिंपली डिटरमिनेंट को ओपन भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर तो है नहीं, है ना, तो उसमें सिंपल डिटरमिनेंट को ओपन करने से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने किया है, ठीक है, कोई ज़ीरो वगैरह तो क्रिएट किए नहीं मैंने, बिंदास ओपन किया, ठीक है, आंसर आ जाता है। अच्छा, अगला सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या दो लाइंस जो हमें दे रखी हैं, दोनों लाइंस मैं लिख देता हूँ, गिवन लाइंस, एल वन क्या हो गई भाई, एक्स माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा बराबर वाई माइनस ए अपॉन अल्फा बराबर जेड माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, एक्स माइनस बी प्लस सी ये है लाइन L2 अपॉन बीटा माइनस गामा, और ये हो गया बराबर वाई माइनस बी अपॉन बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा, ठीक, ये दोनों लाइंस हो जाती हैं अपने पास। अच्छा, क्या ये कोप्लेनर हैं, आप जस्टिफाई करिए, तो इसमें कुछ नहीं है, अपन वही ले लेते हैं A1 और A2, बोल लेते हैं A1 है अपने पास a माइनस डी, ठीक, कॉमा a कॉमा a प्लस डी, ठीक, पहली वाली लाइन को देखते हुए आई कैप जे कैप वाले फॉर्मेट में लिखना, लेकिन ठीक है बात, आई कैप जे कैप वाले फॉर्मेट में नहीं लिखा तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद जो अपने पास a2 है उसको तुम उठा लो, b माइनस सी कॉमा बी कॉमा बी प्लस सी, ठीक। इसके अलावा जो बी वन है उसको मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ठीक, बी टू है अपने पास बीटा माइनस गामा
बीटा बीटा प्लस गामा, ठीक। अच्छा तो नाउ ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू, इसका जो बॉक्स रहेगा इसको अपन डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा इवेल्युएशन में, ए टू माइनस ए वन जब तुम करोगे तो बी माइनस सी, अच्छा कुछ कटवट नहीं रहेगा, बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, ठीक। इसका तो डिटरमिनेंट इवेल्युएट करने में फिर लोचे आएंगे, बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ऐसा कुछ। अच्छा बी वन और बी टू को बिछा दो, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा, बीटा माइनस गामा, बीटा बीटा प्लस गामा, ठीक। इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है मैम, इसको इवेल्युएट करना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर तो इसमें। रॉबी ना ना, हाँ बोल, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो कॉलम टू है, ठीक, वो मैट्रिक्स वाले ऑपरेशंस तो तुम्हें करने आते ही हैं, तो कॉलम टू का एक्चुअली मैं प्रयोग कर सकता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको अगर तुम देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो कॉलम है ये मैं कैसा यहाँ और यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो थोड़ा सा कैसा मामला हल्का हो जाएगा, काफ़ी हल्का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रॉबी आ जाए इधर, आ बॉय, तो ये वाली जो कॉलम है, ठीक है, उसको अगर अपन इसमें और इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक, तो अपना जो डिटरमिनेंट है थोड़ा सा हल्का दिखने लगेगा, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो जो ऑपरेशन है उसको तुम कैसे लिखोगे, सी वन गोस टू सी वन माइनस सी टू और सी थ्री गोस टू सी थ्री माइनस सी टू, ऐसा, ठीक है। तो जब उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो वो चीज़ कैसी दिखेगी, माइनस C प्लस डी, ये तो वैसी का वैसी रह जाएगा, B माइनस ए अल्फ़ा और बीटा, और फिर ये कैसे रहेगा, माइनस डेल्टा माइनस गामा, ठीक है। B माइनस ए इसमें से हटा दो, C माइनस डी हो गया, अल्फ़ा हटा दो तो बचेगा डेल्टा, और बीटा हटा दोगे तो बचेगा गामा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम एक माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लें, ठीक है, फिर ये कैसा दिखेगा, देखो मैं किस में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉलम वन में से माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो फिर ये कैसा दिखेगा, देखो सी माइनस डी डेल्टा और गामा, ठीक, ये तो वैसी का वैसी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो कॉलम्स कैसा बराबर आ गई हैं, ठीक है। तो जैसे ही तुम ये वाली चीज़ लगाओगे सी थ्री गोस टू सी थ्री माइनस सी वन, जैसे ही तुम ये अप्लाई करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक पूरा जो कॉलम है पूरा नष्ट हो जाएगा, समझे। तो वो चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, बी माइनस ए अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा शून्य शून्य शून्य, तो तुम्हारे पास एक पूरी कॉलम कैसा है, नष्ट हो गई। एक कॉलम अगर नष्ट हो गई है तब तो फिर ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसमें तुम ये बड़ी आसानी से फिर कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा दोनों लाइन्स हैं, जो हमारे पास दोनों लाइन्स हैं, दे आर कोप्लेनर, ठीक है बात, ऐसा, ठीक है। अच्छा तो ये काम हो जाता है अपने पास, है ना। इसमें तुम लिखोगे सिंस, ऐसा लिखो इसको, लास्ट वाले सवाल में भी यही एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में सही रहता, सिंस ये ज़ीरो है देयरफोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा है, ज़ीरो है, therefore shortest distance between the given lines is zero. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, lines are intersecting, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ lines are coplanar. Hence proved. ठीक है, अच्छा
ठीक है, तो ये भी जस्टिफाई हो जाता है, इसमें कहीं कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमिनेंट टाइप का सवाल था, इसमें डिटरमिनेंट वाली अच्छी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अगर कोई है तो। नहीं है, ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है देन। तो मेरे ख्याल में कोप्लैनिटी वाले कंसेप्ट के साथ तुम्हें काम करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। दो लाइन जैसे ही चेक करना है कि कोप्लेनर है या नहीं, तुम सीधा इसको इवेलुएट कर लेने का, इसको इवेलुएट कर लेना, समझ गए। सारी समस्या, सारे जो तुम्हारी है ना सवाल हैं, इससे हल हो जाएंगे एकदम बराबर सटाक से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली चीज़ बहुत काम आती है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक, खैर नेक्स्ट वाले वीडियो में तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखोगे एक पॉइंट की एक प्लेन से, और उससे रिलेटेड हम लोग उसी वीडियो में सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले उसमें कंसेप्ट सीखोगे और देन उसके बाद फिर सवाल वाला वीडियो मैं फिर अलग से बना दूंगा। ठीक है बात, ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करते हैं हम लोग। ओके।